हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फुल कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग डिटेल में करना सीखेंगे। 37 साइज में बनाएंगे फ्रेंड्स बोट नेक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारी लाइनिंग है। तो हम लोग लाइनिंग को इस तरह से खोल के टू फोल्ड करके रख लेंगे और नीचे से एक लाइन मार्क करके कपड़े को सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, इस पर हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज की। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम यहाँ से अपनी लेंथ लेंगे। हमारी लेंथ 14 इंच है फ्रेंड्स। एक इंच मार्जिन का प्लस करके हमने 15 इंच ले लिया है और ये हमारा बैक में बोट नेक रहेगा ब्लाउज। तो देखिए, शोल्डर हमने यहाँ पे 6.5 इंच ले लिया है। आर्म होल हम 7 इंच लेंगे फ्रेंड्स। आर्म होल आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आपका स्लीव राउंड हो। स्लीव राउंड कम है तो हम 6.5 इंच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना चेस्ट 9.25 इंच लेंगे। हमारी चेस्ट 37 है, उसका चौथाई लेंगे 9.25 इंच। 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से आर्म होल को हम मार्क करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल में इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी कमर 31 इंच है, उसका चौथा हमने 7.25 इंच ले लिया है। 1 इंच डार्ट का, 2 इंच मार्जिन का फ्रेंड्स। और देखिए, यहाँ पे इस तरह से लाइन को मार्क कर देंगे। गले की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3.5 इंच लेंगे। आप 3.5 या 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बैक में बोट रहेगा तो हमारा गला गिरेगा नहीं। गले की लेंथ देखिए, यहाँ पे हमने 11 इंच ले लेनी है और नीचे भी हम गले की ब्रॉडनेस 3 इंच लेंगे फ्रेंड्स, 3.5 इंच। अब देखिए, हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। तैयार पे कट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब अपने हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। आई स्टिच अपने बैक पार्ट को हम उतार लेंगे। देखिए, इस तरह से उसकी मार्किंग कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आर्म होल की गहराई देंगे फ्रेंड्स। तो शोल्डर हमारा 6.5 इंच है, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच नाप लेंगे और लाइन को सीधी मार्क करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा शोल्डर ज़्यादा है तो हम 1/2 इंच अंदर लेके गहराई देंगे आर्म होल की, ये देखिए। और गहराई भी हम 1/2 इंच पर ही देंगे इस लाइन में मिलाते हुए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अपने गले की ब्रॉडनेस हमने 3.5 इंच ली है। लेंथ हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे फ्रंट की। और यहाँ पे देखिए, 1.5 इंच पे हम गले की गोलाई देंगे कटोरी का शेप बनाने के लिए। अब यहाँ से देखिए, हम अपने टक्स पॉइंट लेंगे फ्रेंड्स। 10.5 इंच हमारी टक्स पॉइंट की लाइन है। तो देखिए, 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा। और 12.5 इंच पे हम देखिए फ्रेंड, दाट का बेल्ट का निशान लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट की लाइन है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच हम ऊपर लेंगे बेल्ट का शेप देने के लिए। बेल्ट की लाइन से 1 इंच ऊपर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड, राउंड देते हुए हम बेल्ट का शेप लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, जितना हमारा पूरा कपड़ा है उसका हम 1/2 करेंगे इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से। अब 1 इंच हम इस साइड इस तरह से लेंगे फ्रेंड्स। आर्म होल के पास हम 2.5 इंच लेंगे, कटोरी का शेप देंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अब जैसे ही इस साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसी तरह से हम गले की साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों साइड हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये देखिए, इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे। 1/2 इंच हुकाई का ले लेते हैं। ये हमारा फ्रंट ओपन है ब्लाउज, ये देखिए। 1 इंच हमने इधर लिया है, 1 इंच इधर भी लिया है। अपनी कटोरी का 1/2 करेंगे, देखिए इस तरह से। ये हमारी फुल कटोरी ब्लाउज है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अपने टक्स पॉइंट बनाएंगे। तो 1.5 इंच या 1.25 इंच हम लगभग यहाँ नीचे लेंगे। इसमें हमने 1.25 इंच लिया है, हमारा ब्लाउज थोड़ा हैवी साइज है। और देखिए, इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। और इस साइड देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच हम मार्जिन का ले लेते हैं जो हमारी सिलाई में जाएगा, नहीं तो हमारी कटोरी छोटी पड़ जाती है।
ये देखिए इस तरह से अपने बेल्ट को हम नाप लेते हैं फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारी बेल्ट तैयार 4 और 3 आ रही है। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी कटोरी को कट करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स, हमने ये हुकाई के लिए कपड़ा लिया था, इस तरह से अच्छा मिलाएंगे कट करके। और इसको देखिए सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों ओर इक्वल रखते हुए, और जो एक्स्ट्रा आएगा फ्रेंड्स उसको कट कर लेंगे, कट लगा लेंगे सेंटर पे। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक कटोरी का पार्ट कट के कंप्लीट हो गया है। अपने साइड वाला पार्ट कट करेंगे और देखिए इस मार्किंग को कट करने से पहले अपनी कटोरी को रख के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने मार्किंग लगाई थी बेल्ट की, उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटोरी कट करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, आप भी कट कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं फ्रेंड्स तो पहले पेपर पे कट करिएगा, और जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आर्महोल की गहराई को भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे साइड का और कटोरी का पार्ट कट के कंप्लीट हो गया है। बेल्ट के लिए हम देखिए एक सीधी पट्टी पहले कट कर लेते हैं 5 इंच की। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बेल्ट 4 और 3 तैयार थी, हमने 1 इंच इसमें मार्जिन का लेके 5 इंच की पहले एक पट्टी कट कर ली है, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट करके निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ से अपने बेल्ट की शेप देंगे, 1/2 इंच हुकाई के लिए निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, सिलाई में जाएगा। और अपनी कमर का चौथाई लेंगे 7/8 इंच, 8 इंच में 2 लाइन कम फ्रेंड्स। और देखिए 2 इंच का मार्जिन रखिए, इस तरह से मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 4 इंच नाप के हम एक लाइन पहले सीधी मार्क करेंगे बेल्ट का शेप देने के लिए। अब यहाँ देखिए इस साइड हम 5 इंच लेंगे और इस साइड 4 इंच फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी बेल्ट 4 और 3 तैयार आ जाएगी। अब देखिए अपने बेल्ट का शेप दे देते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट भी कट के कंप्लीट हो गई है। इस तरह से लाइनिंग पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, देखिए इस तरह से। हम सभी पार्ट को कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने कपड़े को खोल के टू फोल्ड करके रख लेना है, और सारे पार्ट को इस तरह से नंबर वाइज रखेंगे। ये देखिए इस तरह से कटोरी को हम थोड़ा तिरछे में रखते हैं फ्रेंड्स, और इस चीज़ की कटिंग करेंगे। और देखिए कटिंग करने से पहले कपड़े पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमको सिलाई करने में आसानी रहे। जब हम सिलाई कर लेंगे तो कपड़ा एक्स्ट्रा कट करने में आसानी रहती है। और स्टिच में देखिए सारे पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे कपड़े पर। यहाँ पर हमारी कटिंग कम्प्लीट हो गई फ्रेंड्स, और स्लीव की कटिंग देखिए हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसकी कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई कपड़े और लाइनिंग पे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।